पे थे चाणक्य नीति का 14वां अध्याय। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 15वें अध्याय की ओर। तो चलिए आरंभ करते हैं। शुरुआत में श्री चाणक्य कहते हैं कि जिसका हृदय सभी प्राणियों पर दया करने हेतु द्रवित हो उठता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, जटा और भस्म लगाने की क्या जरूरत है। भाव यह है कि हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, उनसे स्नेह करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका स्थान परमात्मा के समकक्ष हो जाता है। जो गुरु एक ही अक्षर अपने शिष्य को पढ़ा देता है, उसके लिए इस पृथ्वी पर कोई अन्य चीज ऐसी महत्वपूर्ण नहीं है जिसे वह गुरु को देकर उसका ऋण उतार सके। आगे कहते हैं कि दुष्टों और कांटों से बचने के दो ही उपाय हैं, जूतों से उन्हें कुचल डालना और उनसे दूर रहना। भाव यह है कि दुष्ट और कांटे सदैव कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं, इनसे बचकर रहना ही ठीक है। यदि इनका सामना हो जाए तो इन्हें जूतों से कुचल डालना चाहिए। आगे समझाते हैं कि गंदे वस्त्र धारण करने वाले, दांतों पर मैल जमाए रखने वाले, अत्यधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सोने वाले, चाहे वह साक्षात विष्णु ही क्यों ना हो, लक्ष्मी भी उन्हें त्याग देती है। ऐसे व्यक्ति जो आलसी, कामचोर, पेटू, क्रोधी और निकम्मे होते हैं, ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति कभी भी नहीं आती। यदि आती भी है तो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। परंतु जो व्यक्ति स्वच्छ रहेगा, कर्मठ होगा, वही धन को जुटाने में कामयाब होगा। निर्धन होने पर मनुष्य को उसके मित्र, स्त्री, नौकर और हितेशी जन छोड़कर चले जाते हैं, परंतु पुनः धन आने पर फिर से उसी का आश्रय लेते हैं। इसका भाव यह है कि आदमी के जीवन में धन का बड़ा महत्व है। धन ही भाई है, धन ही मित्र है और धन ही स्त्री है। आगे कहते हैं कि अन्याय से उपार्जित किया गया धन 10 वर्ष तक चलता है, 11वें वर्ष के आते ही जड़ सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए अन्याय पूर्वक धन कमाने के लिए व्यक्ति को कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। समर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया गलत कार्य भी अच्छा कहलाता है और नीच व्यक्ति के द्वारा किया गया अच्छा कार्य भी गलत कहलाता है। ठीक वैसे ही जैसे अमरता प्रदान करने वाला अमृत राहु के लिए मृत्यु का कारण बना और प्राणघातक विष भी शंकर के लिए भूषण हो गया। आगे समझाते हैं कि भोजन वही है जो ब्राह्मण के करने के बाद बचा रहता है, भलाई वही है जो दूसरों के लिए की जाती है, बुद्धिमान वही है जो पाप नहीं करता और बिना पाखंड और दिखावे के जो कार्य किया जाता है वही धर्म है। आगे बहुत ही अच्छी बात समझाते हैं कि मणि चाहे पैरों में पड़ी हो और कांच चाहे सिर पर धारण किया गया हो, परंतु क्रय विक्रय करते समय अर्थात मोल भाव करते समय मणि मणि ही रहती है और कांच कांच ही रहता है। भाव यह है कि समय तथा भाग्य के कारण विद्वान व्यक्ति का भले ही सम्मान न हो, पर जब मूल्यांकन का समय आता है तो विद्वान की विद्वानता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। योग्य व्यक्ति की अलग ही पहचान होती है और अयोग्य व्यक्ति की जग हसाई ही होती है। शास्त्रों का कोई अंत नहीं है, विद्याएं बहुत है, जीवन छोटा है, विघ्न और बाधाएं अनेक है। अतः जो सार तत्व है उसे ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे हंस जल के बीज से भी दूध को पी लेता है, अर्थात मानव जीवन बहुत छोटा है और इस संसार में ज्ञान अपरिमित है। पूरे जीवन में सारे ज्ञान को पाया नहीं जा सकता है, इसलिए ज्ञान के उस सार तत्व को ग्रहण कर लेना चाहिए जो सत्य है। आगे चाणक्य कहते हैं कि अचानक दूर से आए थके हरे पथिक से बिना पूछे ही जो व्यक्ति स्वयं भोजन कर लेता है वह चांडाल होता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि यह निश्चय है कि बंधन बहुत सारे हैं, परंतु प्रेम का बंधन निराला होता है। जैसे लकड़ी को छेदने में सामर्थ्य भौरा कमल की पंखुड़ियों में उलझकर क्रियाहीन हो जाता है, अर्थात प्रेम रस में मस्त हुआ भौरा कमल की पंखुड़ियों को नष्ट करने में सामर्थ्य होते हुए भी उसमें छेद नहीं कर पाता। अर्थात जो प्राणी संसार की मोह माया में फंस जाता है वह भौरे की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार भौरा कमल के मोह में फंसकर उसकी पंखुड़ियों में कैद होकर अपना जीवन गवा देता है। चंदन का कटा हुआ वृक्ष भी सुगंध नहीं छोड़ता, बूढ़ा होने पर भी गजराज क्रीड़ा नहीं छोड़ता, एक कोल्हू से पिसने के बाद भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता और कुलीन व्यक्ति दरिद्र होने पर भी सुशील और गुणों को नहीं छोड़ता। भाव यह है कि जन्म से ही जो शाश्वत गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं वे अंत तक साथ नहीं छोड़ते। यहाँ पर समाप्ति होती है 15 अध्याय की। अब हम बढ़ते हैं 16वें अध्याय की ओर।